डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़ अजमेर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के जो पॉलिटिक्स साइंस के विद्यार्थी उनके लिए हम आज जो फ्रांस की जो पार्लियामेंट है उसका जो उच्च सदन है जिसको सीनेट कहते हैं और भारत के अंदर उसको राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे कि जैसे भारत की जो राज्यसभा है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं, केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य, ये सारे सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के सदस्य चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसी प्रकार फ्रांस का जो उच्च सदन है सीनेट, उसमें 230 सदस्य होते हैं और कुछ को आर्थिक अधिकार पर उनको वरीयता दी गई है और 6 साल के लिए फ्रांस की जो सीनेट है उनके सदस्यों का चुनाव 6 साल के लिए चुनाव होता है, लेकिन हर 3 साल बाद में 50% जो मेंबर है वो रिटायर होते रहते हैं और उनकी जगह नए मेंबर ऐड होते रहते हैं। ये व्यवस्था फ्रांस के नया जो पंचम गणतंत्र है उस पंचम गणतंत्र के संविधान के अंदर ये व्यवस्था की गई है। कुछ योग्यताएं हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है फ्रांस के अंदर कि फ्रांस के जो जो सीनेट है, सीनेट के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो चुनाव के साथ में एक वैकल्पिक सदस्य का चुनाव हो रहता है कि किसी कारणवश अगर सीनेट के सदस्य की मृत्यु हो जाती है या सीट खाली हो जाती है तो जो उसका सब्स्टिट्यूट होगा वो ही एज ए मेंबर के रूप में कार्य करेगा। ये एक अनोखी व्यवस्था फ्रांस के अंदर है। इसके अलावा उसकी योग्यताएं हैं, वो फ्रांस का नागरिक हो, वो चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो, इसके अलावा वो 35 वर्ष की आयु उसकी पूरी कर चुका हो, ये इसकी योग्यताएं हैं। सीनेट के सभापति के रूप में पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुसार सीनेट का सभापति की व्यवस्था की गई है जिसका निर्वाचन प्रति 3 वर्ष बाद सदस्यों द्वारा किया जाता है। संविधान की धारा 7 में इसके अधिकारों का उल्लेख किया गया है और सभापति होने के नाते ये सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना और सदन में विधि निर्माण कार्य का कार्य को सुचारू रूप से संचालन करने का व्यवस्था है। जैसे हमारा यहाँ उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है वैसे ही वहाँ पे सभापति की भी व्यवस्था की गई है। कुछ कार्य है जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर कानून निर्माण के कार्य करते हैं, अपॉइंटमेंट के कार्य है और फंक्शनिंग के कार्य बहुत सारे है, तो इस आधार पर ये हमारी व्यवस्था है और ये फ्रांस के अंदर भी व्यवस्था की गई। फ्रांस की जो जिसको विधि निर्माण का कार्य है, विधि निर्माण के अंदर वहाँ की जो पॉपुलर सदन है जिसको राष्ट्रीय सभा भी कहते हैं, तो पंचम गणतंत्र संविधान की धारा 3 के अनुसार राष्ट्रीय संप्रभुता जनता में निवास करती है जो इसका प्रयोग अपने प्रतिनिधियों तथा जनमत संग्रह के द्वारा करती है। इस प्रकार संप्रभुता जनता में निहित है और जनता इसका प्रयोग जनप्रतिनिधि के माध्यम से करती है। जनता के प्रतिनिधियों का स्थान संसद है, इस प्रकार देश की संप्रभुता संसद में निवास करती है। ये सुस्पष्ट व्यवस्था फ्रांस के अंदर की गई है। संविधान संशोधन संबंधी अधिकार है जो राष्ट्रसभा को भी प्राप्त है और सीनेट को भी प्राप्त है। संविधान की धारा 89 के अनुसार कोई भी संशोधन है तो वो दोनों सदनों से जब तक पारित नहीं होगा तब तक उनको ये संशोधन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा वित्तीय कार्य देश की सर्वोच्च संस्था होने के अंदर फ्रांसी संसद को राष्ट्रीय सभा का राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार है और संसद द्वारा वार्षिक बजट पारित किए जाने पर प्रशासन द्वारा आय व्यय संबंधी कोई कार्य किया जा सकता है। ये मतलब एकाधिकार एक तरीके की वहाँ की राष्ट्रीय सभा को प्राप्त है। प्रशासन संबंधी कार्य है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है वो राष्ट्रीय सभा और सीनेट दोनों को पावर मिला हुआ है। दोनों सदनों के पारस्परिक कुछ संबंध है, कुछ संसद के दोनों सदनों के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग
करने का अधिकार प्राप्त है। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रथा प्रथम कुल बहुमत दोषारोपण प्रस्ताव पारित कर देता है तो उसकी जांच उच्च न्यायालय द हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा होनी चाहिए। इस न्यायालय के सदस्यों के संसद के दोनों सदनों द्वारा बराबर बराबर संख्या नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार एक तरह का महाभियोग का भी जो राइट है वो सीनेट को भी मिला हुआ है। कुछ कोऑर्डिनेशन है, जैसे भारत के अंदर जो राज्यसभा है और लोकसभा, वैसे ही वहाँ की राष्ट्रीय सभा और वहाँ के जो सीनेट है, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से वहाँ की शासन व्यवस्था चलाई जाती है।